मुजफ्फरनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि केंद्र सरकार गरीब के उत्थान और देश के विकास पर फोकस कर रही है। आयुष्मान योजना हर गरीब तक पहुंचाई जाएगी। 2011 के सर्वे में बहुत से लोग छूट गए हैं। इन लोगों को लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही आर्थिक सर्वे कराने जा रही है। जनपद के कुगडा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में बोलते हुए संजीव बालियान ने कहा कि गरीब और कम जोत के किसानों को आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख तक का इलाज फ्री है। किसानों से कहा कि जल्द ही पीएम मोदी किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने जा रहे हैं। बालियान ने कहा कि उनकी योजना हर गांव में 24 घंटे बिजली देने की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जब से प्रदेश में आई है अपराध रुक गए हैं। किसानों को ट्यूबवेल की बिजली फ्री दी जा रही है। इस अवसर पर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं पिछले 10 वर्ष में रही है और जो काम केंद्र और प्रदेश की तरफ से हुआ है उसके बारे में गांव वालों से बताया गया। विभिन्न विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जो समस्या है कोशिश करेंगे उसका समाधान मौके पर ही सब लोगों का। देखिए काउ सेंचुरी करीब बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत छोटा सा काम, मैं भी 3 दिन पहले गया था, फिनिशिंग आखिर में बची हुई है और हमने चारा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हरियाणा से काफी चारा हमने मंगवाया है तो 1-2 दिन और सर्दी से की बात है, ज्यादा कोरासा है, 1-2 दिन बाद हमने पकड़ने का अभियान शुरू करा।